सारी मूरत बैठी थी ऐसी, जो जिस रूप में भगवान को देखता है भगवान उसे उसी रूप में प्राप्त होते हैं। यह एकदम कठु सत्य है। हमें अपने माँ में दुर्गा माँ का रूप देखें तो दुर्गा माँ दिखाई पड़ेगी, अपने पिता में शंकर भगवान का रूप देखें तो शंकर भगवान दिखाई पड़ेंगे। एक बार एक पंडित जी के पास कोई औलाद नहीं थी, बड़े गरीब पंडित जी थे। पंडित जी औलाद की लालसा में भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने लगे, पूजा अर्चना करने लगे, क्योंकि ये तो आशुतोष तुम अवधर दानी आरती हर धीर गंगानी, ये अवधर दानी है। जो भोलेनाथ की पूजा कर लिया, दुर्गा मैया की पूजा कर लिया, उन्हें प्रसन्न करने में समय नहीं लगता। ढको से वाजी नहीं करना चाहिए, दाढ़ी बढ़ा लें, पीला वस्त्र धारण कर लें और तरह तरह के आडंबर धारण करने से भगवान प्रसन्न नहीं होता, वो दिल से प्रसन्न होता है, दिल में लगे होनी चाहिए। तो पंडित जी पूजा करने लगे, तपस्या करने लगे। एक दिन भोलेनाथ से माँ पार्वती बोली, भोलेनाथ ये पंडित जी बहुत दिनों से आपकी पूजा कर रहे हैं, आपकी शरण में पड़े हुए हैं, इनकी जो इच्छा हो इन्हें वह वरदान दे दीजिए। भोलेनाथ ने कहा, गौरा तुम कहती हो तो अवश्य इन्हें वरदान देंगे। भोलेनाथ पड़े हुए बोले, पंडित जी आपकी क्या मनोकामना है आप बताएं। पंडित जी ने कहा, भोलेनाथ मैं जहां भी बैठता हूं लोग मुझे निर्वंशी बिना वंश वाला कह करके हायल पायल करते हैं, इसलिए मुझे कोई औलाद नहीं। इस संसार में औलादें तीन तरह की होती हैं। एक औलाद होती है जो जन्म लेने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। लोग यही कहते हैं, काश हमारे पास भी कोई औलाद होती,